नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसएससी जीडी के सभी नौजवानों को ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है ना 39,000, ध्यान रखना ये वैकेंसी इंक्रीज होगी प्यारे भाई। अब ये वैकेंसी जैसे 26,000 निकली थी तो 26,000 से बढ़कर 40,000 हो गई, लेकिन शुरू में 26,000 को देखकर लोग फॉर्म नहीं भरते हैं। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने अभी फॉर्म नहीं भरा था, प्लीज फॉर्म भरिए, इस वैकेंसी में फॉर्म भरिए और ये वैकेंसी 60,000 तक जा सकती है, 55 से 60,000। क्योंकि मैं बहुत पहले 3-4 महीने पहले एक वीडियो बना चुका हूं और एक रिसेंट सेशन में भी मैंने कहा था कि ये भर्ती शायद आखिरी भर्ती हो, बड़ी भर्ती जिसको कहते हैं, यानी 50,000 के इर्द गिर्द की जो भर्ती है ये आखिरी भर्ती हो। तो इस समय यूपी पुलिस की भर्ती, एसएससी जीडी की भर्ती, दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है या अन्य भर्तियां जो निकली हुई है, चाहे वो आईटीबीपी की हो, बीएसएफ एससीएम की हो या आरपीएफ की हो या आरआरबी एनटीपीसी की हो। 2024-25 ये दो ऐसे साल हैं कि अगर आप सच में दिल में श्रद्धा रखते हैं कि मुझे एक जॉब चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब, मैं सेफ होना चाहता हूं अपनी जिंदगी में, तो ये 2 साल आपको एक जॉब दे देंगी। लेकिन आप अगर जलालत से भरे हुए हैं और आप कैजुअल तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लाखों लोग कर रहे हैं, भीड़ में भाग रहे हैं, हु कि ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, सिलेक्शन से मतलब नहीं, ये फलाने सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो इनके चरणों की धूल ले जाऊंगा, ऐसे बच्चे जिंदगी भर यूट्यूब ही देखेंगे। कड़वा लगेगा, मैं मानता हूं आपको कड़वा लगेगा। दोस्तों, किसी को आइडियलाइज करके अपने लक्ष्य को पूरा किया जाता है, उसको आइडियलाइज करके उसके चरणों की धूल नहीं लेते हैं। तो अगर किसी को पसंद करते हो या किसी से नफरत करते हो तो उसको यूट्यूब के वीडियो तक ही रखो सीमित। निजी जिंदगी में 24 घंटे गुणगान करने का मतलब है कि आपका तो भंटाधार हो गया। तो एसएससी जीडी में या किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो अपने लक्ष्य से ऑलवेज स्टिक विद हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एम्स, और आप इन 2 सालों में नौकरी ले सकते हैं क्योंकि लाखों की संख्या में भर्ती है। तो ऐसी बात नहीं है, बच्चे 2 हैं, बच्चे भी लाखों में हैं। प्लीज अपने आप को स्टिक रखिए गोल के साथ, जबरदस्त प्रिपरेशन करिए और भाई सुनिए, बुक से प्रिपरेशन करना सीखिए मेरे दोस्त। दोस्तों, बात करने वाला हूं एसएससी जीडी में सिलेक्शन की, कि कैसे सिलेक्शन लिया जाएगा, वो क्या ट्रिक है जिससे एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया जाए, क्योंकि हमारे ही जानकार बच्चे 160 में से 158 नंबर इस ट्रिक से ला चुके हैं। वही कुछ बच्चे जो इसको फॉलो नहीं कर रहे या कोई अपना कुछ अलग फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्शन लेस हो गए हैं, वे 3 साल पहले भी इस एग्जाम को दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं। दोस्तों, बात कर रहा हूं एसएससी जीडी में चक्षु प्रकाशन की, वन ऑफ द बेस्ट बुक आती है चक्षु प्रकाशन की एसएससी जीडी के लिए। सबसे अलग बुक क्या है, आप पूछेंगे सर मैं क्यों इस बुक को लूं, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है कि इनका जो एडिशन आता है हर साल का, उसमें लेटेस्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहते हैं शिफ्ट वाइज, चारों सब्जेक्ट के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के और दोस्तों सामान्य ज्ञान के, कोई सी भी आप किताब खरीद सकते हैं, आप कॉम्बो पैक खरीद सकते हैं इसका। सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपने मान लो कोई कोर्स नहीं लिया है तो इसका सॉल्यूशन पार्ट सबसे बेस्ट है, आप उस सॉल्यूशन को पढ़कर ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। दोस्तों, मैं पिछले 2 साल से इसको बता रहा हूं, आज फिर आपको बता देता हूं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। आप एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित नहीं निश्चित करिए कि जिससे जीत आपकी पक्की हो जाए, साल दर साल तैयारी ना करनी पड़े। सारा सब कुछ आपको डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अच्छे से तैयारी करिए, जबरदस्त बुक के साथ तैयारी करिए और अपनी जीत को वर्दी में बदलिए। अगर सिर्फ वीडियो देखेंगे तो वीडियो का तो 30% रह जाता है दिमाग में, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड थिंग है। वीडियो होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, आपने जिंदगी ही वीडियो में गुजार दी, ऐसा मत करिए। कोशिश करिए किताबों से पढ़िए, पुराने जमाने के जितने भी ऑफिसर्स हैं या कांस्टेबल्स हैं या जो ऐसा ही है, वो सभी किताबों से पढ़कर बने हैं, उस समय यूट्यूब नहीं हुआ करते थे, ठीक है? किताब से दिमाग भी तेज होता है प्यारे भाई, और आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ती है, यानी चीज को लंबे समय तक याद रखते हैं। मैं समझता हूं आपको जरूर इससे कुछ समझ में आया होगा, और फिजिकल में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। कुछ बच्चे अपने मार्क्स लिखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मार्क्स के लिए मैं 1-2 सेशन लेकर आऊंगा, हो सकता है इस संडे नहीं, इससे नेक्स्ट संडे, तो उसमें आप अपने पूरे डाउट्स पूछ लेना। बाकी कोई भी इश्यू है तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं वहीं उत्तर करने की कोशिश करूंगा। अगर 100 से नीचे कमेंट रहते हैं, अगर 100 के ऊपर जाते हैं तो उसके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना।